देख प्रसाद प्रसाद ये सो गया तो पता लग चुका प्रसाद आया, इसलिए यहाँ किचन में, वरना आता नहीं किचन में। देखो मैं अपने विकी से बहुत प्यार करता हूँ, पर इस टाइम विकी मेरे माँ के ऊपर लेटा हुआ है। तुझे मैंने देखो प्रसाद खाया मैंने अभी तक मुँह। वैसे हाँ कुत्तों को मीठी चीज़ या ज़्यादा ऑयल चीज़ नहीं दिया जाता, मेरी तबियत खराब हो सकती है। देखो प्रसाद ही तो हाथ खा रहा है मेरा। अबे तू गुस्सा हो गया भाई गुस्सा। मैंने इसके बहुओं में कोई गाली दी पक्की बात। सीधा करे पागल हो जाता है। हाले काट काट। अरे ठीक मारता है। अरे ठीक मारता है। मैंने थोड़ा मारा है। अरे मेरे को काट रहा है। मैंने थोड़ा मारा है। अरे भाई ये क्या बात हुई। अरे ये क्या बात हुई। हट ना। इसका कुछ भी होता है ये मेरे पे अटैक कर देता है भाई। वी डू यू लव मी। ठीक है सॉरी। You don't love me? अच्छा मेरा ब्लॉग देख रहे हो? हैं? कैसे लग रहा ब्लॉग? बहुत अच्छा। तो लाइक तो किया नहीं आपने अब तक? जाओ यार जा रहा हूँ ठीक। अरे हाथ गंदे है ना कर रही हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लाइक हो जाना चाहिए। हाथ गंदे होता भी। बिल्कुल सही। ब्लॉग लाइक होना चाहिए। अब भी नहीं हुआ हद है भाई। बस फोन की मर्जी नहीं अच्छी यार। नहीं नहीं करनी बात। वेलकम टू डॉग नंबर 6। देखो अभी अराउंड 11 बजने वाले हैं और अभी मैं लंच कर वाह 11 बजे क्या बोलता हूँ मैं। देखो अभी 11 बजने वाले हैं और मैं डिनर कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें डिनर दिखाता हूँ। देखो मेरा डिनर ये है, 2 पूरी और आलू सब्जी जो भंडारे में थी अजय नमाज का बर्थडे ना उसके लिए। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर तुम सोचो कि व्यू भाई तुम तो जिम जाते हो, तुम्हें तो डाइट मेंटेन रहनी चाहिए, कैलोरीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वही मेन चीज़ है। देखो वो मेंटेन रहनी चाहिए, बट अगर तुम पूरा टाइम मतलब तुम पूरा टाइम अच्छा खाते रहोगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं जो कि ठीक नहीं होती कभी कभी। पहली चीज़ तुम्हारा स्टमक अपसेट हो सकता है और दूसरी चीज़ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। सो इसलिए कभी कभी तुम कुछ ऐसा खा सकते हो जैसे कि बाहर का पिज्ज़ा खा लिया कभी, पर हाँ ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया एक साथ ही सारी कैलोरीज वहाँ बहने कर दी, ऐसा भी नहीं करना। और हाँ मैं बोल रहा हूँ कभी कभी, मतलब ये नहीं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ठीक है। तो हाँ जो ऑयली फूड होता है फिर जो जंक फूड होता है पिज्ज़ा बर्गर वो मैं महीने में एक बार खाता हूँ, वो भी कभी कभी अगर हो मन तो, वरना नहीं खाता। पर अगर तुम्हारा मन करता है खा सकते हो, पर अगेन महीने में एक बार या एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते नहीं पेलना तुम्हें। मेरा खाना तो हो गया पर मैं मेन चीज बताना भूल गया, ये प्रसाद है, तुम्हें प्रसाद मना नहीं करना है ठीक है। यो आज है फ्राइडे और आज तुम लोग छुट्टी होगी शायद से गुड फ्राइडे की, मेरी नहीं है, काम करना पड़ रहा आज भी। पर अभी मैं जाने वाला हूँ नहाने, बाल लोग कैसे हो रखे हैं। तुम मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि व्यू भाई हेयर स्टाइल कैसे बनाते हो या कैसे बाल मैच करते हो। मैं लेटर नहा के आता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बाहर 2 हाथ मारे फेरे होगा काम खत्म मेरा। मेरे पास कॉम्ब है, मैं उसे अपनी बियर्ड को ऐसे करता हूँ शेप के अंदर, मैं उसको बाल भी यूज नहीं करता हूँ। और नहाने जाने से पहले मैं थोड़ा ट्रिम वगैरह कर रहा था, चेस्ट के बाल वगैरह हटा रहा था। अब तुम सोचोगे व्यू भाई तुम अजीब ही हो यार, चेस्ट के बाल हटाए पूरे टाइम अंदर रहते हैं शर्ट के, हाथ के नहीं हटाते तुम। यार देखो पता है बात क्या है, अगर मैं चश्के बाल हटा लूंगा ठीक है और वापस आ गए तो बस टाइम नहीं होना कट करने का, तो कोई दिक्कत नहीं, वो शर्ट के अंदर है ठीक है। हाथों को लेके मेन बात है, अगर मैं आके ट्रिम कर लिए, मान लो मेरा हाथ सारे बाल ट्रिम कर लिए और वापस आने लग गए, तो जब छोटे छोटे बाल तो बड़े गंदे दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते, और बस टाइम नहीं है तो मेरे को फुल आर्म बहना पड़ेगा या फिर मुझे वापस बैठ के उसे ट्रिम करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। और तुम्हें पता है टाइम मेरे पास भाई, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं हाथ कहाँ से ट्रिम करूंगा, इसलिए मैं हाथों के बाल ट्रिम नहीं करता, पर आर्मपिट्स चेस्ट और एब्स वगैरह उन्हें कर लेता हूँ, एब्स दिखाना होता है ना इसलिए। ओके सो ट्रिमिंग इज डन। ये देखो हाथ के उड़ा दे बाल और एब्स वगैरह सारे साफ हो चुके हैं। पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों भी ऐसे कोई अपने बॉडी पार्ट जैसे आर्मपिट्स वगैरह उड़ाने होंगे तो प्लीज ब्लेड यूज मत करना ठीक है, ट्रिमर इज अ सेफ ऑप्शन। नहीं नहीं मैं ब्लेड से बिल्कुल नहीं डरता, पर मेन बात है अगर तुम ब्लेड यूज करोगे अपने मतलब आर्मपिट्स पे या फिर शायद बियर्ड पे, तो मैंने सुना देखा भी है पढ़ा भी है कि ब्लेड थोड़ी हार्ड बियर्ड आती है, चांस बढ़ जाते हैं ये बियर्ड हार्ड आएगी नेक्स्ट टाइम, जो बाल आएंगे वो थोड़े हार्ड होंगे, इसलिए मैं ब्लेड यूज नहीं करता पर्सनली। आई हैव नो एक्सपीरियंस, मैंने बस सुना है लोगों से और देखा है और कुछ पढ़ा है, सो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, जो मैंने बताया मैं तो वही बता रहा हूँ। और बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप जिम में किसे गाने सुनना प्रेफर करते हो, कौन सा आर्टिस्ट या कौन से टाइप के, सो मैं यूजुअली एक आर्टिस्ट सुनता हूँ और वो है एमिनम भाई साहब, तुम खुद देख लो एमिनम फॉर लाइफ। चलो अब नहाने का टाइम और आने के बाद मैं तुम्हें प्रॉपरली दिखा दूंगा लाइव कि मैं कैसे अपने हेयर स्टाइल बनाता हूँ। आता हूँ गैसूस बैक, जरा एक बार मेरे को ऐसे देखो और बताओ मैं क्या लग रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो असली वी बस समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके मैं नहा के आ चुका हूँ और देखो मेरे बाल ऐसे रहते हैं जब गीले रहते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने टॉवल से ना अपने बालों बस इनमें थोड़ा फेरूंगा टॉवल को, फिर थोड़े सूख जाएंगे और राइट और लेफ्ट साइड वाले बाल बस नीचे कर दूंगा कॉम्ब से, और मैं कुछ नहीं करने वाला और एक खुद ही सोते वैसे हो जाएंगे, दैट्स हाउ आई डू माय हेयर स्टाइल। सो तुम लोग खुद देख पा रहे हो, मैंने तुम्हें दिखाया मेरे बाल बस सूख चुके हैं और खुद ही ऐसे हो जाते हैं, मेरे तुम लोग को दिख रहा है। सो या आई डू नथिंग एट ऑल, जस्ट नहाओ फिर हाथ मारो दो और बाल तैयार।
सैड आर्स गाइज। मेरे को जैसे ही पता लगा कि मेरा सैटरडे को पीसी नहीं आने वाला यार, इतना मन था संडे को आराम से बैठ करूँगा स्ट्रीम, कोई लैग नहीं, जो मन आए वो खेल लूँगा, हक दिया। कह रहे हैं इस संडे हो नहीं पाएगा ना सैटरडे, अगले वीक में कभी भी आ जाओ। मैंने चलो ठीक है अगले वीक सैटरडे को आते हैं, कहते अगले सैटरडे को हम अवेलेबल नहीं है। मैंने तूने दुकान खोल ले क्या खोल रहा है, मैं छुट्टी लेकर लग से जाऊँ अपना पीसी लेकर मार, बट कोई नहीं मैं तुम्हें लेकर चलूंगा आज जिम। हाँ एज यू सी मैं रेडी भी हूँ तो चलते हैं जिम। देखो ये तो है मेरा करंट वेट, जैसे मैंने तुम्हें शुरू के पार्ट में बताया था जिम जाते ही एक्सरसाइज नहीं करते पहले, वार्म अप भी करते हैं तो वार्म अप कर लेना पहले ही। और आज मैं तुम लोगों को चेस्ट के एक्सरसाइज बताऊंगा और हम शुरू करेंगे इस बेंच के साथ। देखो मैंने जो तुम्हें बेंच दिखाया उसमें तुम रॉड से एक्सरसाइज करते हो, डंबल से भी, और आज मैं तुम लोगों को डंबल से सिखाऊंगा। डंबल से करने का फायदा है कि तुम बहुत कम से शुरू कर सकते हो, मतलब तुम फॉर्म अच्छे से कर सकते हो पहले। अगर रॉड पे आओ तो रॉड ही एक्जेक्टली 20 किलो की होती है, तो 5 बजे डंबल उठाओ अपने फॉर्म सही करो और प्रोग्रेस करते रहो, चाहे रॉड यूज करो या फिर डंबल यूज करो। बट बेंच प्रेस के अंदर हम 4 चीजें ध्यान रखते हैं। पहली चीज, बेंच के ऊपर तुम्हारी पोजीशन कैसी होगी। तुम्हें सीधा नहीं लेटना, तुम्हारा घर का बेड नहीं है, तुम्हें अपनी कमर थोड़ी सी आंख बनानी है, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो इधर। दूसरी चीज, तुम्हारे हाथों की मूवमेंट, जैसे मैंने देखा कहना न्यूट्रल पोजीशन में मारना, बीच में ज्यादा बाहर भी नहीं और ज्यादा अंदर भी नहीं। थर्ड चीज, अगर तुम डंबल यूज कर रहे हो बेंच प्रेस के ऊपर तो तुम्हें जमीन से डंबल को नहीं उठाना, उठाते तुम्हें भी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, वहां तुम्हारी स्ट्रेंथ वेस्ट हो रही है। और डंबल ज्यादा भारी हो तो उठाते शोल्डर में दर्द हो सकता है, इसलिए पहले डंबल को उठा लो और उनको साथ में लेके बैठो। और लास्ट तुम्हें डंबल को पुश करना है अपनी तरफ अपने पैरों को यूज करके, और जैसा तुम देख रहे हो मैं चैडो करते हुए तुम्हें एक्जेक्टली वैसे करनी है। ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज की, इससे तुम डंबल रॉड कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें बढ़िया लगे, मुझे दोनों लगते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, इनक्लाइन बेंच प्रेस, तुम्हें सब कुछ सेम करना है जो तुम फ्लैट बेंच के अंदर कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम। थर्ड एक्सरसाइज, केबल क्रॉस, इसके 3 वेरिएशन होते हैं, मैंने तुम्हें बहुत बेसिक वाला सिखाया क्योंकि वो अच्छा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, उसकी फॉर्म बिल्ड हो गई तुम बाकी दो भी कर सकते हो। फिर जैसे मैं तुम्हें करते दिखा एक्जैक्टली वैसे ही करो, थोड़ा आगे तरफ बेंड हो जाओ और हाथों ज्यादा पीछे तक नहीं लेके जाओ, इतना ठीक रहेगा। और अपनी चेस्ट को स्क्वीज करो, जितना पहला दूसरा होता है बिल्कुल सामने से करना, और लास्ट वाला केबल क्रॉस ऊपर से नीचे लाके नीचे से ऊपर करना, बाकी तुम लोग बाद में करेंगे, जो मैं तुम लोग अभी दिखाया उससे स्टार्ट करो तुम्हारी फॉर्म भी बिल्ड हो जाएगी। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस मशीन के ऊपर, जिसका नाम है बैक डेक फ्लाई। अगर तुम्हारा ट्रेनर इस मशीन को बटरफ्लाई कहता है तो उसे मुंह पे चिल्ला के बोलो छपरे। इस मशीन का नाम बैक डेक फ्लाई है, इस मशीन का नाम बटरफ्लाई नहीं है। इसमें मेरा कुछ ध्यान रखने वाला चीज नहीं है, बट जो हैंडल होते हैं जो हाथ पकड़ते हैं वो इस मिडल में रखना, 6 होते हैं मैंने 3 पे रखा हुआ था। ये 4 चेस्ट एक्सरसाइज करो और तुम्हारी चेस्ट कंप्लीट, मतलब तुम्हारा चेस्ट डे कंप्लीट। ये 4 एक्सरसाइज करो और सबके अंदर 3 सेट मारो, तुम्हारे पूरे साइज से मिलाकर टोटल 12 सेट हो जाएंगे, और बिगिनर्स के लिए इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अगर तुमको लग रहा है व्यू भाई अब तो तुम बाकी हमारे अंदर, चलो पुशअप मारो, पुशअप मार सकते हो, बट डिप्स मारो, फिर सीधा घर जाओ और कुछ मत मारो और सो जाओ। बाय बाय।